हेलो बीजू एम आई लवर्स, कैसे हो आप सब? मस्त बिंदास, फर्स्ट क्लास चक्कास। तो गाइज हमेशा ऐसे ही रहो और खुश रहो। तो गाइज बीजू एम आई के अंदर आज हम लोगों की 7 की रॉयल पास ओपन हुई है, तो उसके अंदर वीक 2 में एक मिशन है जिसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले गाइज, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। यहाँ पर आर पी के अंदर आप लोग देखो, मिशन के अंदर वीक 2 में यहाँ पर एक मिशन है, एंटर द स्टील आर्क 3 टाइम्स इन क्लासिक मोर मेका फ्यूजन। तो गाइज जो हम लोगों का मेका फ्यूजन मोर है उसके अंदर आप लोगों को स्टील आर्क नाम के लोकेशन पे 3 बार यहाँ पे एंटर करना है और इसके आप लोगों को 60 आरपी पॉइंट मिलने वाला है। तो इसके लिए आप लोग क्या करो कि यहाँ पे मैप में रैंक के अंदर आप लोगों को यहाँ पे इरेंगल, मीरामर और लिविक के अंदर मेका फ्यूजन मोर देखने को मिलता है, तो 3 में से कोई सा भी लगा के खेल सकते हो। इस मिशन को आप लोग सोलो, डुओ, स्क्वाड किसी में भी कर सकते हो। तो सोलो में यहाँ पर जो इरेंगल है उसको लगा के मेका फ्यूजन वाला मोड है उसको यहाँ पे गेम में मैं स्टार्ट कर देती हूँ। सो गाइज सबसे पहले आप लोग यहाँ पे मैप के अंदर देखोगे तो आप लोगों को टोटल 2 लोकेशन देखने को मिलेंगे, जिसमें एक असेंबली बेस है और एक यहाँ पे स्टील आर्क है। तो आप लोग देख सकते हो टोटल 2 येलो कलर के लोकेशन है ना, वही हम लोगों के स्टील आर्क लोकेशन है, जो कि एक आप लोगों को यहाँ पे गटका के ऊपर की साइड देखने को मिलेगा और एक यहाँ पे मैंशन में देखने को मिलेगा। तो दोनों में से कोई से भी लोकेशन पर आप लोग यहाँ पर जा सकते हो। अब एंटर करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग डायरेक्टली जाके उधर लैंड ही करो, आप लोग इस लोकेशन पर लैंड करोगे तो भी चलेगा, और अगर ये लोकेशन दूर हो तो व्हीकल लेके इस लोकेशन के अंदर जाओगे तो भी चलेगा। तो पास वाला लोकेशन यहाँ पे हम लोगों का मेंशन है, तो उधर मैं आप लोगों को यहाँ पे लैंड करके दिखा देती हूँ। और अगर आप लोगों को इस वीक का और मिशन का वीडियो देखना हो तो जो हमारी सेकेंड चैनल है बेटर लीजियर, उस पर थोड़े टाइम में ही मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेकआउट कर लेना। सो गाइज यहाँ पे मैप के अंदर देखो मेंशन लोकेशन यहाँ पे पास है, तो जल्दी से इसी लोकेशन के अंदर मैं एंटर कर लेती हूँ और आप लोगों को भी इसी तरीके से करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जंप करते हैं और इस लोकेशन के ऊपर लैंड करके भी आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। अब गाइज यहाँ पे मिशन आज नए नए खुले हैं इसीलिए बहुत से बंदे यहाँ पर लैंड करने आएंगे, तो आप लोग केयरफुली लैंड करना, क्योंकि यहाँ पर लैंड करते तुरंत मर जाओगे तो ग्लिच के कारण मिशन काउंट नहीं होगा। इसलिए हो सके तो आप लोग यहाँ पर छत पर उतरने का ट्राई करना। जैसे कि आप लोग देखो मैं भी यहाँ पे छत पे लैंड करने का ट्राई कर रही हूँ और लाइव प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं एंटर कर चुकी हूँ और यहाँ पे बंदे बहुत सारे हैं जैसे कि मैंने आपको बोला था। तो एक बंदा तो पीछे ही पड़ गया है, फिर भी आप लोग देख सकते हो इस लोकेशन पर एंटर करते ही आप लोगों का मिशन कम्प्लीट होता है, तो आप लोग इस तरीके से प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। अब गाइज यहाँ पर एक बार आप लोग यहाँ से रिस्पॉन्ड हो जाओ तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली मैच को एग्जिट कर दोगे तो मैच काउंट नहीं होगी। एक बार आप लोग यहाँ पर क्या करना कि ग्रेनेड व्रेनेड ढूंढ के जाना, जिससे आप लोगों का मिशन काउंट हो जाएगा। अब गाइज जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को मरना जरूरी है, तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे कॉकटेल फेंक के मर जाती हूँ और गेम खत्म करके आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ दिखा देती हूँ कि स्टील आर्क लोकेशन पे जो हम लोगों को यहाँ पे लैंड करना था वो मिशन हम लोगों का काउंट हुआ है कि नहीं। सो गाइज यहाँ पे आरपी के अंदर आप लोग देखो मिशन के अंदर वीक 2 में हम लोगों का यहाँ पे जो मिशन था तो 3 में से 1 मेरा यहाँ पे काउंट हो चुका है। तो इसी तरीके से आप लोग 3 बार यहाँ पे इस लोकेशन पे जाओगे तो आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा। एक गेम के अंदर 2 लोकेशन है तो दोनों पे एक एक बार आप लोग चले जाना, तो एक गेम में 2 काउंट हो गए, बाकी दूसरी गेम में एक बार कर लेना। ऐसे करके सिर्फ 2 गेम के अंदर आप लोगों का यहाँ पे मिशन कम्प्लीट हो जाएगा। तो गाइज ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।